बिहार शिक्षक बहाली 2019-21 से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, बड़ा इंटरव्यू। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के सचिव एन तिवारी आज आपके साथ होंगे। मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। आज हम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के सचिव से बात करेंगे। कल पटना हाईकोर्ट में 31 मई 2021 को बिहार शिक्षक बहाली 2019-21 के बड़े केस की सुनवाई होने वाली है। ऐसे में कल क्या क्या हो सकता है और अभी तक जो गतिरोध है अखबार के हवाले से या अन्य गतिरोध है, उस पर हमने कड़े सवाल पूछे हैं और कड़े और बड़े सवालों का जवाब एन तिवारी ने दिया। आपको बता दें, आज अखबार के माध्यम से लिखा गया कि दिव्यांग अभ्यर्थी, खास करके दृष्टिबाधित दिव्यांगों को ज़्यादा आरक्षण का लाभ दिया गया। साथ में यह भी लिखा गया कि जिन नियोजन इकाई में 13 से कम सीट होगा वहाँ पर दिव्यांगजनों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कई तरह के मुद्दे, कई तरह के सवाल और सभी का जवाब दिया है एन तिवारी ने। कल की सुनवाई के संबंध में उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि कड़ी तैयारी हमारे द्वारा भी की गई और सरकार ने भी लगातार 2 दिन से एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। आप समझे कि शनिवार रविवार होते हुए भी लगातार शिक्षा विभाग में इस संबंध में कई कार्य आगे बढ़ाए गए हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने भी ट्वीट करके कहा कि हम लगातार कार्य में लगे हुए हैं और कार्य प्रगति पर है। बड़ी बात यह है कि रोस्टर में गड़बड़ी के बाद क्या रोस्टर में बदलाव होगा? 4% आरक्षण का क्या होगा? क्या विभिन्न कोटियों से सीट कट के दिव्यांगजनों को दिया जाएगा? मुजफ्फरपुर के अखबार ने जो खबर छापी है, क्या सच्चाई है खबर की? कई सवाल हैं और सभी का जवाब हमने एन तिवारी से पूछा है। ऐसे में देखना यह होगा कि कल पटना हाईकोर्ट में क्या निकल कर आता है। आप अभ्यर्थी जो लगातार संशय में है, लगातार परेशान है, हम चाहते हैं आपको सच दिखाएं। कुछ अभ्यर्थियों को आपत्ति होती है सच देखने में, सच सुनने में, उन्हें बस लच्छेदार बोली ही चाहिए। तो विभिन्न यूट्यूब चैनल बने, आप वहाँ जाकर लच्छेदार बोली सुन सकते हैं। हम लच्छेदार बोलियों में विश्वास नहीं रखते, हम सच में विश्वास रखते हैं। आइए एन तिवारी से आपको रूबरू कराते हैं, उन्होंने क्या कहा बातचीत के क्रम में। हमारे साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के सचिव एन तिवारी हैं। 31 मई 2021 को पटना हाई कोर्ट में केस की बड़ी सुनवाई होने वाली है। अखबारों ने इस संबंध में कई तरह के गतिरोध भरे खबर भी छापे हैं। आज सभी पर चर्चा होगी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कल 31 मई 2021 को जो बड़ी सुनवाई होने वाली है, बड़ा दिन है। बिहार शिक्षक बहाली जो 94,000 अभ्यर्थी जो हैं, जो बहाली के इंतजार में, उनके लिए सर क्या हो सकता है कल की सुनवाई में? कल की सुनवाई में, पहले तो कल की सुनवाई बहुत टॉप सुनवाई है एक तरीके से। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के भविष्य के सवाल हैं। सुनवाई जो शुक्रवार को हुआ था, तब से लेकर अभी तक लगातार उस पर काम हम लोग कर रहे हैं तैयारी के लिए। जी, हम लोग भी जबरदस्त तैयारी में लगे हुए हैं और शिक्षा विभाग को भी देखा जा रहा है कि तैयारी में है। जी, किंतु शिक्षा विभाग कितना तैयारी करके आता है, क्योंकि पिछला सुनवाई जो शुक्रवार को हुआ उसमें शिक्षा विभाग का होमवर्क बिल्कुल नहीं था। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि 4% सीट काट के अलग करके और भर्ती को आगे कर लेना चाहते हैं। जी, जो कि न्यायालय के साथ साथ हम लोगों ने भी उसका विरोध किया। न्यायालय ने भी असहमति जाहिर की और हम लोगों ने विरोध किया। जी, और जो प्रस्ताव हम लोगों ने दिया है उस पर कितना होमवर्क करके आते हैं जी सर। सर, सवाल ये भी है कि आज के अखबार ने एक खबर छापी, खबर ये छापी कि मुजफ्फरपुर में आप दिव्यांग अभ्यर्थी, खास करके जो दृष्टिबाधित दिव्यांग है, उनको ज्यादा सीट मिला है। और ये आम अभ्यर्थी जो है इसको समझ रहे हैं ये कि जब दिव्यांग अभ्यर्थियों को ज्यादा सीट मिल रही है, आरक्षण का ज्यादा लाभ मिला है, तो वो 4% आरक्षण का मांग क्यों कर रहे हैं, ये क्या है? साथ में अखबार ने ये भी छापा कि जहां पर 13 से कम सीटें होंगी वहां आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये क्या है सर? जी, अधिकांशतः नियोजन इकाइयों में 13 से कम ही सीट है। जी, है ना, ये बात सही है कि गलत है? जी, तो जब अधिकांशतः नियोजन इकाई में 13 से कम सीट है वहां पे दिव्यांगों को मौका नहीं। जी, तो अगले क्रम में फिर आरक्षण से अधिक सीट कैसे? जी, पहला क्वेश्चन खड़ा होता है। अगर कल समीक्षा बैठक के दौरान, अगर सरकार समीक्षा के दौरान पाया है तो किस तरीके से पाया है? जी, कि पहले वो दिखे नहीं रहा था, 13 अधिकांशतः नियोजन इकाई में 13 से कम सीट थी वहां पे नहीं दिख रहा था। जी, अब आज अब अनुमान लगा के लिख दिया जाए जिला लेवल पे, जहाँ इस जिला में इतना आरक्षण इनको दे दिए, कोर्ट से यही आदेश हुआ है जो अब उसको लिख देना है। जी, कोर्ट के द्वारा एक आ गया है जिला लेवल पे समीक्षा करके इनका 4% सीट कैटेगरी वाइज, 4% में भी 4 कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज
रोस्टर बनाकर जी या एक फॉर्मेट बनाकर लाइए, हम अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इस केस का निष्पादन कर दें ताकि इनको भी इनका अधिकार मिले और इन लोगों को भी रोजगार मिल सके और समान अभ्यर्थियों का भी संवरे, वो लोग का भी भर्ती का जो स्टे है लगभग साल भर से वो खत्म हो जाए। सर सवाल ये है कि 4% आरक्षण आप मांग रहे हैं, बहुत सारे नियोजन इकाई है जो पंचायत स्तर पर, ये छोटी इकाई पंचायत है वहाँ पर कहीं कहीं 1-2 सीट 3 सीट ही है, मान लीजिए कि ओबीसी का सीट है, आप 4% आरक्षण जब आपको अगर कल केस आप जीत जाते हैं आपको मिल जाता है तो वो 3 सीट जो किसी ओबीसी अभ्यर्थी ने वहाँ आवेदन कर रखा है अब वो सीट आपके पास चला जाएगा, तो ऐसे में उस ओबीसी अभ्यर्थी का क्या होगा? वो भी तो मांग कर सकता है ना कि हमें इसके लिए अभ्यर्थियों को बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए जी, क्योंकि न्यायालय इतना बड़ा अन्याय अभ्यर्थियों के साथ नहीं होने देगा जी। अब सरकार कहाँ से हमको 4% देगी ये सरकार जानती है और इसको सरकार को जानना पड़ेगा। न्यायालय इतना बड़ा अन्याय जैसे आप बता रहे हैं ना जी, कि 2 सीट है और एक आपको मिल गया, ओबीसी वहाँ पे फॉर्म भर के रखा है जी, ओबीसी वाला सीट आपको 4% में दे दिया गया जी, तो पहला बात तो होगा नहीं जी, सरकार भी नहीं करेगा ये काम, अगर करता भी है तो न्यायालय उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हमारी क्षैतिज आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण अलग होता है जी, आप जो जाति आधारित आरक्षण है अलग है जी, तो इसमें हमारे जाति मैंने कैटेगरी के अंदर में कैटेगरी करके हमको आरक्षण सरकार नहीं दे सकता, जब ओबीसी का सीट है तो ओबीसी का मुबारक हो जी, हमको अपना 4% सीट चाहिए इसका लड़ाई है। सवाल यही बनता है कि अभी जो है जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, जो सीटें अभी सरकार ने एक फॉर्मेट जारी करके पूरा आंकड़ा मंगवाया है, ठीक है, उन्हीं में से काट कर 4% आपको आरक्षण दिया जाएगा, तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं सीटों का घालमेल होने की संभावना है। नहीं नहीं, जो आप अभी समाचार पत्र का चर्चा कर रहे थे जी, उसमें क्या है, उसमें तो स्पष्ट है समान का सीट कितना है, मुजफ्फरपुर जिले में रिजर्व महिला का कितना है जी, सब कुछ का अलग अलग कैटेगरी है, उसमें दिव्यांगता का भी 4 कैटेगरी दिखाया गया है जी, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अगर चाहे तो हमको, क्योंकि हमारा आरक्षण तो आज से थोड़े है, तो पहले से नहीं था 4% या 3% जी, तो 95 से ही 3% 16 से 4% आ रहा है जी, तो ये हमारा पहले ही बन रहा था, बाकी रोस्टर बनाने में जो गड़बड़ी हुई है जी। दूसरा बात है जी, हमारा जो रिजर्वेशन है क्षैतिज आरक्षण वो पंचायत लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, इसको जिला लेवल पे अगर समीक्षा करके अगर उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है सरकार तो यहाँ गंडा अपना के तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर जो जिस तरह आप जैसे बता रहे हैं अगर उस तरह सरकार चाहेगी तो वो न्यायालय मना कर देगा, उसके लिए निश्चिंत रहे अभ्यर्थी। सर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जो स्थिति है, आप अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करने का मौका भी देने की बात है तो ये ऑफलाइन माध्यम से होगी या ऑनलाइन माध्यम से होगी? देखिए जैसे मैं प्रस्ताव तो जो हम लोगों की ओर से दिया गया शुक्रवार को जी, उसमें ये कहा गया कि ऑनलाइन मौका दिया जाए ताकि कोरोना काल में भी हम लोग 15 दिन में फॉर्म भर के अपना काम समाप्त कर दें ताकि उसके बाद मेरिट लिस्ट बना के इन लोगों के साथ हम लोग का भी काउंसलिंग हो जाए। सर अभी जो पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है 37,500 सीटों के लिए स्टेट परीक्षा भी हुई है, क्या 4% आरक्षण का जो केस है आपका उस केस का असर स्टेट अभ्यर्थियों पर भी पड़ेगा? नहीं, स्टेट अभ्यर्थियों पर कोई असर नहीं पड़ना, केवल जो 2012 के स्टेट अभ्यर्थी हैं जो कि 6ठे चरण में आवेदन करके नियुक्ति वक्त के समय अंदर वक्त स्टे ऑर्डर आ गया जी, उन अभ्यर्थियों पर वे लोग प्रभावित हुए हैं जी, और उन लोगों को बहुत जल्दी हमें लगता है लीव भी मिलेगा। सर ऐसे में क्या कल फैसला आ सकता है कि ये फैसला आगे भी तारीख पड़ सकती? देखिए जब तक कल का माहौल क्या है, आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग भी जगा हुआ है आजकल, बिहार का शिक्षा विभाग अगर शनिवार को भी काम करे या रविवार को भी करे जी, देख रहे हैं कि जो काम साल भर से नहीं हुआ वो आज 2 दिन में करने का शिक्षा मंत्री जी दावा कर रहे हैं जी, तो अगर इस तरह वास्तव में सचेत दिल से अगर सरकार भर्ती चाहती होगी तो इतना तो डिसीजन हो जाएगा कल, आप लोगों को राहत खुशी ये जरूर मिलेगा कि सरकार भर्ती करना चाहती है कि नहीं, अगर कल लीव दिलाने में सरकार सफल रही समझिए सरकार भर्ती करना चाहती है जी, अगर नहीं सफल रही तो समझिए भर्ती करना नहीं चाहती है, ये क्लियर है। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया और सभी मुद्दों पर आपने चर्चा की, अभ्यर्थी भी इस ऑडियो से संतुष्ट हूँ।
धन्यवाद।